नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। बहुत सारे नए लोग पूछते हैं कैसे 10,000 का पोर्टफोलियो बनाए, कैसे 20,000 का, कैसे 30,000, कैसे 1,00,000 रुपये का पोर्टफोलियो बनाए। तो सारे क्वेश्चन के जो जवाब है इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे, किस प्रकार आपको पोर्टफोलियो बनाना है। हम इसमें नंबर ऑफ शेयर्स को बताएंगे, कैसे आपको नंबर ऑफ शेयर्स आपको अपने पोर्टफोलियो में लेना है। तो 10,000 का है तो नंबर ऑफ शेयर्स आप कम लेंगे, अगर 20,000 है तो डबल कर देंगे, अगर 1,00,000 है तो उसी नंबर ऑफ शेयर्स को 10 times कर देंगे, आपका पोर्टफोलियो बन के रेडी हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम आपको इसी बारे में बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार पोर्टफोलियो बनाना है, कौन कौन से शेयर्स आपको अपने पोर्टफोलियो में शुरुआत में लेने हैं। देखिए, सबसे पहले पोर्टफोलियो बनाते हैं तो आपको शुरुआत में जो नए लोग हैं उनको लार्ज कैप स्टॉक्स लेने चाहिए। लार्ज कैप स्टॉक्स से क्या होगा, आपका जो पोर्टफोलियो का वोलेटिलिटी होगा, जो उतार चढ़ाव होगा वो धीरे होगा। जैसे स्मॉल कैप लेते हैं तो वो स्मॉल कैप स्टॉक जो होते हैं एक दिन में 10-20% तक गिर जाते हैं, और एक दिन में 20% आपके बढ़ भी जाएंगे। तो इस तरह से आपका जब गिरेगा तो आप काफ़ी पैनिक होने लगेंगे, तो जो आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रभावित करेगा। तो जब आप नए इन्वेस्टर हैं तो आपको जो कॉमन स्टॉक्स है, जो कॉमन सेंस से आप अच्छे अच्छे स्टॉक्स देखते हैं मार्केट में, वो स्टॉक्स लेना है। साथ ही साथ अपने पोर्टफोलियो को लार्ज कैप के साथ शुरुआत करनी है, क्योंकि अभी मार्केट में गिरावट आती है तो उससे आपका पोर्टफोलियो हमेशा सेफ रहेगा, क्योंकि लार्ज कैप गिरावट के बाद रिकवरी भी उतनी ही फास्ट करता है। तो देखिए, यहाँ पोर्टफोलियो में जो सबसे पहला स्टॉक है हमारा, वो आपको लेना है रिलायंस इंडस्ट्री का। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री काफ़ी सारे बिजनेसेस है रिलायंस के अंडर, रिलायंस जियो, रिलायंस रिटेल, रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स। तो इस तरह से जो बिजनेस है रिलायंस का काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, तो डाइवर्सिफाइड बिजनेस के कारण इससे आपका जो ग्रोथ होगा इसमें आने वाले समय में अच्छा खासा मिलेगा, लेकिन उतना नहीं मिलेगा जितना कि आप स्मॉल कैप में देखते हैं, मिड कैप कंपनियां में देखते हैं। लेकिन आपको ये स्टेबल भी रखेगा कि इसमें गिरावट बहुत ही कम होती है मार्केट के साथ, ये बहुत ही कम गिरावट आपको दिखाएगा, जबकि स्मॉल कैप काफ़ी ज़्यादा दिखाता है। जैसे आप सीख जाते हैं मार्केट को काफ़ी अच्छे, आप मार्केट को अच्छी तरह समझने लगते हैं, तो फिर आप स्मॉल कैप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो शुरुआत करना है एक स्टॉक से, अगर आपका अमाउंट बड़ा है तो बस इसी को 10 stock कर देना है। तो यहाँ पर हम 20,000-30,000 इन सब को टारगेट करते हुए चल रहे हैं। बस आपका 1,00,000 रुपये का पोर्टफोलियो है तो 5% आप ले लीजिए, 10% ले लीजिए 10,000। जैसे एक स्टॉक में मैक्सिमम 10,000, तो आपका इसका करीब 2,300 अभी प्राइस है, तो आप इसमें लगभग 5 stocks ले सकते हैं। तो 1,00,000 रुपये का आपका इन्वेस्टमेंट है तो 5 stock रिलायंस का ले सकते हैं, या 2-3 stock ले सकते हैं। कौन से स्टॉक को कितना वेटेज देना है इसके अनुसार से नंबर ऑफ स्टॉक्स रखना है। तो यहाँ पर शुरुआत करेंगे एक स्टॉक से, जो छोटे पोर्टफोलियो वाले इन्वेस्टर हैं। उसके बाद है TCS, TCS का एक स्टॉक लेना है। रिलायंस जो है ये तो बिजनेस काफ़ी मिक्स्ड है, मिसलेनियस बिजनेस है। TCS IT सेक्टर से स्टॉक है और इससे एक स्टॉक लेना है, काफ़ी बेहतरीन ये भी स्टॉक है। उसके बाद HUL एक स्टॉक लेना है, ये FMCG से हो गया, TCS IT सेक्टर से हो गया। हर सेक्टर से अलग अलग स्टॉक्स आपको लेना है। जैसे आपका पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, एक सेक्टर से 2-3 stock जो सेक्टर आपको काफ़ी पसंद आते हैं तो उसके 3 stock कर देंगे। उसके बाद आप देखिए मुथूट फाइनेंस, फाइनेंस सेक्टर से इसका एक स्टॉक ले लीजिए। उसके बाद IGL गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर से, साथ ही साथ PSU स्टॉक भी है लेकिन काफ़ी अच्छा ग्रोथ देगा, तो 4 stock इसका ले लीजिए। देखिए, इन सारे स्टॉक का जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है, 1500 मुथूट फाइनेंस, HUL 2500, तो वहीं IGL आपको मात्र 500 में मिलेगा, 4 stock ले लिए 2000। मतलब जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो आपके अमाउंट जो है वो सब में इक्वली होना चाहिए, क्योंकि IGL जब ग्रोथ दिखाए तो आपका इक्वल मतलब परसेंटेज से आपका पोर्टफोलियो ग्रो करे। उसके बाद छठा है HDFC बैंक, इसका एक स्टॉक लेना है, ये भी लगभग 1500 का स्टॉक है, तो महंगे स्टॉक है उसका 1-2 लेंगे। जो सस्ते स्टॉक है उतने ही अमाउंट लगाना है जितना कि आप बड़े स्टॉक्स में लगा रहे हैं, तो जो प्राइस छोटा है तो उसका नंबर ऑफ स्टॉक्स जो है, नंबर ऑफ शेयर्स जो है ज़्यादा हो जाएंगे। उसके बाद अगला है HDFC लाइफ, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है इंश्योरेंस सेक्टर से। HDFC बैंक हो गया बैंकिंग सेक्टर से, तो इसका 4 stocks ले लिए, ये भी लगभग 500 समथिंग है। उसके बाद कैडिला हेल्थ केयर फार्मा सेक्टर से, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, 1 stock ले लिए, हो सके तो आप 2 stock लीजिए, क्योंकि ये भी स्टॉक जो है काफ़ी सस्ते हैं, तो इसका भी आप 4 stock ले सकते हैं।
उसके बाद स्कॉट ट्रैक्टर है, एग्रीकल्चर में यूज होता है, तो इसके जो प्रोडक्ट है वो आपको सब दिन बिकेंगे। जो देखिए काफ़ी सारे ऑटो सेक्टर जो है काफ़ी दिनों से अंडर परफॉर्म रहा है, लेकिन इस स्टॉक पे आपको कोई खास ज़्यादा प्रभाव नहीं देखने मिलेगा। इसका 1200 रुपीज़ इसका लगभग प्राइस है, तो आप इसका चाहें तो एक स्टॉक या दो स्टॉक ले सकते हैं। फिर रिलैक्सो फुटवेयर, इसका प्राइस लगभग 1100 के आसपास है, तो इसका आप दो स्टॉक ले सकते हैं। अलग अलग सेक्टर से आपको अलग अलग स्टॉक्स चुनने हैं। फिर पिडलाइट, ये भी काफ़ी बेहतरीन, फेविकॉल आपने देखा है काफ़ी बेहतरीन बिजनेस है, ये स्टॉक जो आपके पोर्टफोलियो को लगातार ग्रोथ देगा, इस सब में आपको उतना गिरावट नहीं देखने मिलेगा। निफ्टी जो आपको 10% गिर जाए फिर भी इस स्टॉक में आपको 5% से ज़्यादा गिरावट देखने नहीं मिलेगा, तो ऐसे ये स्टॉक है, तो इसका आप ये एक स्टॉक दो स्टॉक ले सकते हैं। फिर एशियन पेंट, ये काफ़ी महंगे स्टॉक है 3000 का, इसका एक स्टॉक ले सकते हैं। देखिए सस्ते जो सस्ते स्टॉक होते हैं वो आपको नहीं लेने हैं, आपको अच्छे स्टॉक लेने हैं, चाहे प्राइस सस्ता हो या महंगा हो। बहुत सारे लोग कहते हैं ये काफ़ी महंगे प्राइस के हैं, तो देखिए ये महंगा चीज़ें ही महंगे होते चले जाएंगे, सस्ता चीज़ और सस्ता होता चला जाएगा, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको महंगा को और महंगा करके बेचना है, बस आपको बीच का प्रॉफिट लेना है, महंगा और सस्ता नहीं देखना। ये स्टॉक महंगे हैं तो यही और महंगे होते चले जाएंगे। उसके बाद है डीमार्ट, जो रिटेल बिजनेस है, रिटेल कारोबार से डीमार्ट आ गया आपको, तो डीमार्ट ले सकते हैं। इसके बदले आप चाहे तो वीमार्ट ले सकते हैं, डीमार्ट आपको पसंद नहीं है तो ये भी महंगे स्टॉक है, तो इसका 1 रुपीज़ ले लिए। फिर आरती इंडस्ट्री, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, आरती इंडस्ट्री स्पेशलिटी केमिकल से है, इसका एक स्टॉक ले लिए। आप आरती इंडस्ट्री पसंद नहीं है तो आप नवीन फ्लोरिन ले सकते हैं, अतुल लिमिटेड ले सकते हैं, एल्काइल एमिन्स ले सकते हैं, कई सारे स्टॉक है स्पेशलिटी केमिकल्स में जो काफ़ी बेहतरीन है। फिर है लार्सन टर्बो, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, इसका आप एक स्टॉक ले सकते हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से है, तो ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। तो ये कुल 15 स्टॉक का पोर्टफोलियो था। इन 15 स्टॉक में अगर आपका अमाउंट कम है तो आप जैसे लार्सन टर्बो को आप इसमें अलग कर दीजिए, और जो स्टॉक आप नहीं रखना चाहते हैं जैसे स्कॉट उसको छोड़ दीजिए। तो जैसे आपका छोटा अमाउंट है तो इसमें से कुछ स्टॉक को छोड़ दीजिए, अगर आपका और ज़्यादा अमाउंट है तो हम अपने चैनल पर अलग अलग स्टॉक जो अलग अलग सेक्टर के बताते रहते हैं उसको ऐड करते जाना है पोर्टफोलियो में। और पोर्टफोलियो में कभी भी आपको जैसे 30 स्टॉक्स हो गए, 30 स्टॉक से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 40 स्टॉक रख लिए काफ़ी मैक्सिमम है, और 40 स्टॉक फिर उसको आपको उसको हमेशा रिजल्ट को देखना, उसको हमेशा एनालाइज करना काफ़ी कठिनाई होगा। तो इस तरह से आपको पोर्टफोलियो इतना होना चाहिए जितना कि आप मैनेज कर सकें, कि जितना आप टाइम दे सकते हैं उसके अनुसार से आपको पोर्टफोलियो सजाना है। उम्मीद करते हैं कि पोर्टफोलियो कैसे बनाएंगे 10,000 का, 20,000 का, 1,00,000 का वो सीख गए होंगे। सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स को इसमें बढ़ाना है, आपका अमाउंट जितना बड़ा है वो खुद ब खुद अरेंज हो जाएगा। और इसमें कोई स्टॉक ऐड करना है तो हम चैनल पर बताते रहते हैं, उसको ऐड करते जाना है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना है, जब पहली बार है सब्सक्राइब कर लेना है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।